हेलो एंड नमस्कार मेरा नाम है दीपाली कॉल ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट टेन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अक्टूबर टू टेंथ ऑफ अक्टूबर आइए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइसिस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज ऑफ अक्टूबर फर्स्ट टेन डेज ऑफ अक्टूबर किंग ऑफ कॉन्स नाइट ऑफ कॉइंस एट ऑफ वन ओके अब पाइसिस देखिए हमारे पास है किंग ऑफ कॉन्स पेंटिकल्स टॉरस वर्गो के प्रकॉन नाइट ऑफ कॉन्स अगेन पेंटिकल्स टॉरस वर्गो के प्रकॉन एट ऑफ वॉन्स एरीज लियो सैजटेरियस फायर साइन या फिर कोई अर्थ साइन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अब यहाँ पे हमारे पास है किंग ऑफ कॉइंस तो किंग ऑफ कॉइन्स से ये पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आने वाली है आपके पास पैसा आने वाला है कंट्रोल आने वाला है पावर आने वाली है हो सकता है कोई आपका प्रमोशन होने वाला हो या फिर कोई ऐसा पार्टनर आपके पास आने वाला हो टॉरस वर्गो के प्रकॉन जो कि बहुत ज्यादा रिच हो बहुत ज्यादा लग्जरी वाला एक लाइफस्टाइल हो उनका काफी आ, एक हायर सीनियर डेजिग्नेशन पे हो ये इंसान बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो इनके पास कंट्रोल हो टीम हो फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं ये आ, ये इंसान आपको बहुत जल्दबाजी करने को मत बोलिएगा इन, इनके साथ जल्दबाजी मत करिएगा ये मतलब कोर्स ऐसे नहीं कि स्लो नहीं है ये बट ये थोड़ा सोच समझ के अपनी स्पीड पे अपने पेस पे चलना पसंद करते हैं तो इनके साथ बहुत ही जल्दी जल्दी मत चीज़ें करिएगा स्लो चलने दीजिए इनके संग चीज़ें इनको अपने पेस पे चलने दीजिए अदरवाइज़ ये बहुत घबरा घबराने का तो नहीं है बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी इनके साथ थोड़ा पेशेंटली डील करना पड़ेगा इनके साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको हमारे पास है नाइट ऑफ कॉइंस अब देखिए नाइट ऑफ कॉइंस से हमें ये पता लगता है कि आ, काफी हार्डवर्क करना है आपको नेक्स्ट टेन डेज में हार्डवर्क करना है एक कोई रूटीन फॉलो करना है हो सकता है ये इंसान क्योंकि इतने अथॉरिटेटिव और इतने सीनियर पोजिशन पे है तो इनको पसंद आए Uh, अगर आप भी ऑर्गेनाइज हो आप भी एक रूटीन फॉलो कर रहे हो या आप भी uh, बहुत हार्ड वर्किंग हो तो इनको थोड़ा सा आपका और इनका मैच लगे तो वो चीज़ हो सकती है ये खुद तो बहुत मेहनती है ही बहुत हार्ड वर्किंग है ही उसमें तो कोई दो राय नहीं है एट ऑफ वॉन्स अब देखिए एट ऑफ वॉन्स है हमारे पास तो uh, बहुत जल्दी बहुत स्पीड से चीजें चेंज हो रही हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन uh, जो है चेंजेस जो है वो बहुत जल्दी आएंगे नेक्स्ट टेन डेज़ में प्लस माइनस फ्यू डेज़ हो सकता है आप सिंगल हैं तो कमिटेड हो जाए कमिटेड हैं तो एंगेज हो जाए वैसी कोई वाइब दिख रही है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं और बहुत जल्दी चेंजेस आ सकते हैं एक्शन हो सकता है कोई कुछ काम हो सकता है कोई कोई चीज़ हो रही है कोई एक्टिविटी हो रही है नेक्स्ट टेन डेज में जो कि बहुत जल्दी है आपके लिए इनके लिए एयर uh, ट्रैवल भी हो सकता है कुछ लोग शायद छुट्टी पे जा रहे हैं या वर्क ट्रैवल uh, कर रहे हैं बट ट्रैवलिंग um, हो रही है फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर डेस्टिनेशन एरीज लियो सैजिटेरियस हाँ तो अब वो आ, आप देखिए कि थोड़ा सा ये चेंज के बारे में आपको पहले से पता है या नहीं पता है कोई अंदाज़ा है या नहीं है देखते हैं लवन कनेक्शन डेस्क से क्या है हमारे पास स्पाइसिस के लिए फॉर फर्स्ट टेन डेज ऑफ अक्टूबर इफ़ दे वंस लव यू दे स्टिल डू हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आ जाए वो अभी तक आपको प्यार करता है ज़रूरी नहीं है कि अगर वो वापस आए सॉरी बोले आपको बोले कि प्लीज वापस ले लो तो आप उनको फोगिव कर सकते हैं of course, ग्रजेज uh, रखने का कोई पॉइंट नहीं है forgive कर सकते हैं उनसे बात कर सकते हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि आप उनको अपनी uh, जिंदगी में वापस ले लें एज अ पार्टनर और एज अ फ्रेंड भी आपने फगिव कर दिया आपको कोई ग्रजेस नहीं है कोई हेट्रेड uh, नहीं है उनके लिए मन में कोई गंदी uh, इच्छाएं नहीं है कुछ नहीं है बट जरूरी नहीं है कि आप उनको दोस्त बनाएं, जरूरी नहीं कि आप उनको अपनी जिंदगी में वापस लें बट हाँ वो अभी भी आपसे प्यार जरूर करते हैं गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट पाइसिस यहाँ पे यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई चीज़ बुरी होती है तो आप अपने आप को ब्लेम करते हो आप बट जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हो आप वो किसी और को क्रेडिट दे देते हो या फिर आपको पता होता है कि ये चीज़ सक्सेस मिला आपको विक्ट्री मिली जीते आप लोग क्यों अचीवमेंट हुई क्यों क्योंकि आपने मेहनत करी बट आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हो रिलेशनशिप में भी अगर रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि आपकी वजह से खत्म हो रहा है बट अगर टिका हुआ है बहुत टाइम तक और आप एफर्ट्स डाल रहे हो सैक्रिफाइस कर रहे हो कुछ तो आप अपने आप को क्रेडिट नहीं देते हो गिव योर सेल्फ मच मोर क्रेडिट थोड़ा सा अपने अपनी इंपॉर्टेंस जताना स्टार्ट करिए खुद को भी और दूसरे को भी दूसरे को ये नहीं रखना चाहिए कि आप एक फुट मैट हो डोर मैट हो कि कभी भी आप पे से चल के निकल गए आगे थोड़ा सा अपने आप को अपनी इंपॉर्टेंस दूसरे को बताइए खुद को बताइए सी मी इन देयर आइज देखिए आपका ये जो कनेक्शन है जो आ, होने वाला है किंग ऑफ कॉइंस नाइट ऑफ कॉइन्स वाला जो कनेक्शन है आ, ये आई थिंक ये इंसान के साथ बहुत ही टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होगा आपका आ, एक वो होता है ना आप एक कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठे हो और दूसरा इंसान कहीं और बैठा है और आप एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे करो और दूसरा इंसान समझ जाए तो आपका ना बहुत ही कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होने वाला है मतलब आपके बिना बोले आई थिंक ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होने वाले हैं ये इंसान बट एक चीज़ ये आपसे डिमांड करेंगे वो है आप खाली मत बैठो मतलब हार्ड वर्क करते रहो रूटीन बना के रखो ये आप पे डिपेंड कर सके इमोशनली मेंटली मे बी नॉट फाइनेंशियली क्योंकि फाइनेंसिस में ये बहुत बेहतर है नाइट ऑफ कॉइंस भी है किंग ऑफ कॉइन्स भी है बट uh, ये आप पे इमोशनली मेंटली फिजिकली तो डेफिनेटली डिपेंड करना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि आप एक्टिव हो हेल्दी हो वर्कआउट करते हो वैसी वाली चीज है यहाँ पे हो सकता है इनको प्लांट्स का गार्डनिंग का, का काफी ज्यादा शौक हो इनको फार्मिंग का, का काफी ज्यादा शौक हो आ, वैसी कोई चीज भी हो सकती है यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू मेरे पास यही मैसेजेस हैं देखते हैं चार्म्स के थ्रू क्या मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए पाइस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट टेन डेज हमारे पास है एक कैमल फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आप या आपके पार्टनर काफ़ी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो फ्यूचर प्लानिंग भी आई थिंक इसलिए चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि स्टेजेस नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हो आप एट और वन चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो रही है तो इसलिए फ्यूचर प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पर हमारे पास है कैट तो हो सकता है इस इंसान को आपको या इसको आपके पार्टनर को आ, कोई स्पेस इश्यूज हो या तो अभी जहाँ पे आप हो थोड़ी स्पेस कम लग रही है आपको आपको बहुत स्पेस कंस्ट्रेंट लग रहा है आ, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है या फिर आप उन लोगों में से हो जिनको ज़्यादा चिपकना क्लिंगी होना वो पसंद नहीं है बहुत टची होना पसंद नहीं है तो वो वाला एंगल भी हो सकता है हमारे पास है एक सन अब देखिए एट ऑफ वॉन्स भी है सन भी है सन होता है लियो का रूलिंग प्लैनेट तो लियो काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है हमारे पास है लेटो वी वी से किसी का नाम हो सकता है सोनेम हो सकता है सिटी कंट्री लोकेशन वरुणा वरुण विकी विशाल विनीता कुछ भी नाम हो सकता है हमारे पास है एक फ्लावर तो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है चेंजेस होने वाले हैं डबल कॉन्फॉर्मेशन है ये चेंजेस बहुत जल्दी होंगे आपको डाइजेस्ट करने का आपको उस उस चेंज को समझने का प्रोसेस करने का टाइम शायद ना मिले बट अच्छे चेंजेस होंगे एट ऑफ वॉन्स और फ्लार डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे चेंजेस की बट मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से पाइसेज अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक like करें वीडियो शेयर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का थैंक यू बाय